So firstly, Asim, अभी recently you turned 21, I believe. Yes. And you know, you joined the industry when you were 16. Yes. So roughly 5 साल हो गए आपको. हाँ. So the start case, how did you come to this point that you wanted, you know, कि मुझे singer बनना है? क्या सब कुछ? यार बच्चियाँ. मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं. लेकिन क्या start हुआ interview? लेकिन अच्छा, हम सच बातें करेंगे. हाँ, बिल्कुल honest बातें करेंगे. तो मैंने कवर्स करने शुरू किए थे, ठीक है, और उससे मुझे अटेंशन थोड़ी मिलने लगी. हु डजंट लाइक अटेंशन, ठीक है. एंड मैंने फेसबुक फैन पेज बनाया, उस पर थोड़े लोग आए, 1000 लोग हुए, तो मुझे लगा उफ़ मैं तो मतलब स्टार बन गया हूँ. हाँ, मैंने दुनिया कॉन्कर कर ली है. और बट वो आहिस्ता आहिस्ता 1000 से कब 10,000 हुए, लाख हुए, फिर मिलियन है. मैंने स्टार्ट तो 15 में किया था, 16 में जाके मुझे टेंशन मिली. बट इमेजिन लाइक एक 15-16 साल के लड़का नाइव होता है बहुत, तो उसके लिए मतलब इतने पर्सनल हेट कमेंट्स आना, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जो यंग टीनेज लड़कियां थी वो पसंद कर रही थी और लड़के हेट कर रहे थे, तो वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते थे जो मेरे म्यूजिक से रिलेटेड ही नहीं होती थी. हाँ, पर्सनल के शक्ल देखी है तुमने और ये वो पता नहीं, मतलब फिजूल पर्सनल बात है ना. तो मैं सोचता था, मैंने कहा क्या बिगाड़ा मैंने इनका, और मैं बड़ा हर्ट होता था, मतलब सोचता था बहुत इसके बारे में. To a point where I got so tough, my skin got so tough, कि मुझे realize हुआ कि यही तो fuel है. अच्छा. कि this is you, अगर आपको कोई बुरा नहीं कह रहा तो you're doing something wrong. तो आप जब बुरे कमेंट्स आते हैं, how do you react to those comments now? Recently अभी एक कमेंट आया था और कि you know they were talking about the case where Nasir ने फोटो लगाई विद फवाद खान, and then you commented कि I worship शाहरुख खान, तो उसपे लोगों ने बहुत कमेंट किया. जी. So the things are blown out of proportion in Pakistan. So how do you react to इस तरह की जब होते हैं कि ये देखें आसिफ सर क्या कर रहा है, इस पे क्या रिएक्शन होता है? अगर मैं पहले होता तो मैं बहुत मतलब अगर ये 2-3 साल पहले होता तो मैं बहुत फ्लिप आउट करता कि यार ये क्या हो गया. बट अब आई एम लाइक मतलब न्यूज ही है ना, तो सही है, मतलब सही है, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी. हाँ, मतलब मैंने एक इसे कहते हैं ना कि मतलब एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, मतलब वर्शिप में घर पे उसको यूं थोड़ी करता हूँ, पूछता थोड़ी हूँ या सजदे करता हूँ. बट आई लव हिम टू एन एक्सटेंट कि वो एक यूज करते हैं ना वर्शिप में. लेकिन हम कॉम बहुत स्पेशल है और हम हर चीज लिटरेट ले लेते हैं. तो अभी आपका जो लास्ट सॉन्ग दैट यू रिलीज 5 AM सुबह के 5 बजे, तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया. द सॉन्ग टर्न रियली वेल. या सो यू नो लेट्स डू समथिंग कि अब जो गाना है आपका 5 AM, व्हाई डोंट यू सिंग इट फॉर अस फर्स्टली इन योर स्टाइल एंड देन वी विल हैव यू सिंग दैट इन सम. ठीक है, मैं जरा घूंट ले लूं गरम कॉफी का. सुबह के 5 बज गए वे मैनू की होया, की होया की होया, नींद आंदी है तेरी यादां विच खोया, मैं खोया वे खोया, सारी कसमां भुल गई है, विच विछोड़े पा गई है, ना बदल दे मेरा जे मैं हुन रोया जे रोया. या व्हाई डू यू सिंग दैट इज आईमा, कैन यू डू दैट? अच्छा, आईमा इज अ वेरी मतलब टैलेंट, मतलब शी हैज सो मेनी टोन्स कि उसको जिस गाने में भी आप डालोगे वो ढल जाएगी. बट द बेस्ट टोन दैट आई लाइक ऑफ हर इज वाला सुमारे 5 बज गए वे मैनू की होया, क्योंकि उसके एक आती है कहीं के गाने में, एंड देन देयर इज सम पॉइंट्स वेयर शी इज लाइक सुमारे 5 बज गए वे मैनू इन कलावाज, तो उसका काफी वो दिल सिंह के साथ सज्जाद अली सुबह दे 5 बज गए वे मैनू की होया कि बिल्कुल माफ कर दे मुझे सज्जाद भाई, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ ये. अगर अली अजमन गाते तो मुझे पता है कैसे गाते. ओ सुबह दे 5 बज गए वे मैनू की होया. Try to sing it as यार ना your good friend Momina. सुबह दे 5 बज गए वे मैनू की होया. She has this little वो जो end करती है ना, तो she has this little style कि वो end करती है. एंड अगर आई थिंक उमेर जसवाल करेगा तो कैसे करेगा, कैसे कहते हाँ, सुबह दे 5 बज गए वे मैनू की होया. Nice, that was something.
So Asim, aapne singing se acting mein bhi, you know, you've done a few TV shows. Yeah. So let's test your acting skills a bit, theek hai? Okay. So let's have this round of charades. Let's do it. Yahan pe films nahi aayengi, yahan pe kuch activities aayengi, kuch cheeze aayengi, so you have to act those out for me, theek hai? Okay. So I'll have to act and you guess? Yeah. Coffee, drinking, cigar, cigarette. What do you call it? Like champagne, wine, wine. Wine tasting. Guitar, piano. Sorry. Piano? Violin. Sorry. ये तो मुश्किल है. पास करना है? नहीं करेंगे हम. कैसे करूं यार? गाड़ी. ईटिंग समथिंग. पास कर. बारबेक्यूइंग. अच्छा. डांसिंग. टायर्ड, एग्जॉस्टेड, स्लीपी, बोर्ड, सिक, हंगरी, क्या किया हमने? यो लाइक सिक्स, व्हिच इज रियली गुड. या इट्स गुड. या ओके, उष्णा डिड एट दो, बट या सिक्स इज नॉट बैड. ठीक है उष्णा, आप एक्ट्रेस हैं, आपका बनता है, मतलब आपको तो करना चाहिए. अच्छा एक्टर तो आप हैं. आर यू अ गुड ड्राइवर? यस आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर. यू श्योर अबाउट दैट? हां आई एम. क्या मतलब आप ड्राइव करना है? नहीं शुरू दैट. हाँ हाँ, मुझे सुनने में आया था कि आपने यासर हुसैन की गाड़ी ठोक दी थी यार, और पीछे वाली बैक स्क्रीन और दरवाजा सब कुछ. अच्छा ये होगा अब. हाँ ये होगा यासर, ये तुम्हारे लिए. और कौन बता सकता है? ये शो पे कहा था उसने? शो पे बताया था? नहीं, आई टॉक टू यासर. क्या बात है यार, तो आप तो इतने अच्छे ड्राइवर नहीं है फिर. थैंक यू यार, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ. उनकी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं हुई थी. ठीक है, व्हाट हैपेंड? या ओके आई विल टेल यू. ठीक है, हम पूरी रात हमने हैंग आउट किया और यासर वॉज वेरी टायर्ड. हलाल हैंग आउट. जी हलाल हैंग आउट. यासर वॉज वेरी टायर्ड, उसको बहुत नींद आ रही थी. तो मैंने कहा यासर तू फिक्र नहीं कर, मैं चलाऊंगा तेरी गाड़ी, मैं तुझे घर छोड़ूंगा. कहता है ओके जिगर, जैसे वो कहता है ओके दादा, ओके जिगर, आजा तू आजा. तो बैठ गया. यार मेरी किस्मत ख़राब, पीछे पोल था. मुझे आदत है उसकी रिवर्स करने की ना, उस पर ठीक है, उसकी गाड़ी में नहीं है. मैंने हैं करके रिवर्स की, पीछे आवाज आई, बस पूरा शीशा गिरा उसका. मैं इतना गिल्ट में था मोमेंट में, मैं बता नहीं सकता कि मैंने उससे कहा. लेकिन एक बात मैं यासर की बताऊंगा, मैंने उसके तरले किए कि भाई मैं बनवाऊंगा तेरी गाड़ी. करे ठीक है बनवा दे, लेकिन उसके बाद मिलना नहीं मुझे कभी. तो हाँ, लेकिन उसके बाद से मैंने कहा मैं कभी किसी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, कभी जिंदगी में किसी गाड़ी. बट मैंने अपनी गाड़ी आज तक नहीं मारी. अच्छा, आई एम अ गुड ड्राइवर, आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर. सो लेट मी टेक योर वर्ड फॉर दैट. या सो नो यू रियली गुड फ्रेंड यासर हुसैन एंड असद सिद्दीकी. इफ यू हैड टू से हु इज अ बेटर फ्रेंड इन दोनों में से, क्योंकि आपकी स्नैपचैट हमेशा बेटर फ्रेंड. या बेटर फ्रेंड, बेटर फ्रेंड एज इन अ बेटर पर्सन एंड बेटर फ्रेंड ना, मतलब. या यासर. यासर.